दोस्तों जिला अध्यक्ष कृष्ण जाखड़ जी देख सकते हैं स्वागत कर रहे हैं। अजय थोड़ा थोड़ा हेलो सर सामने देखिए बहुत ही आदर और सम्मान के योग मेरे समक्ष बैठे फरीदाबाद जिला के गांव गांव और शहर के वार्ड स्तर से आए जननायक चौधरी देवीलाल की सोच को पहरा देने वाले समर्पित वरिष्ठ सक्रिय कर्मठ और निष्ठावान कार्यकर्ता साथियों, सम्मानित पिता तुल्य बुजुर्गों, माता और बहनों, हम उम्र नौजवान दोस्तों, कृषि प्रधान भारत वर्ष के उज्जवल भविष्य अजीज प्यारे बच्चों, पत्रकार एवं छायाकार बंधुओं और मंचासीन हमारी पार्टी के हरियाणा प्रदेश के अध्यक्ष सादगी के प्रतीक सम्माननीय सरदार निशान सिंह जी, जिला शाखा के हमारे अध्यक्ष भाई कृष्ण जाखड़ जी, महिला शाखा की हमारी जिला की अध्यक्ष हरमीत कौर जी, करामत अली जी, मानक मोहन शर्मा जी, प्रेम कृष्ण जी, आज कई कार्यकर्ता सम्मेलन मिशन 2024 दुष्यंत का आगाज फरीदाबाद जिला की इस पावन पवित्र धरा से हुआ और आप इतनी बड़ी तादाद में यहाँ पे आए, मैं आपका स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, अभिवादन करता हूँ और आपके जोश को सलाम करता हूँ। भगवान साथियों, मेरे से पूर्व वक्ताओं ने, पार्टी के वरिष्ठ साथियों ने सारी बातें विस्तार से खुल करके आपके बीच में की, उन बातों को पुनः दोहरा करके आपका समय जाया नहीं करना चाहूंगा। मिशन 2024 जो है ये लगातार अब एक तरह से चुनावी वर्ष है, इसमें आपके नगर निगम के चुनाव भी आएंगे, लोकसभा के चुनाव भी आएंगे, विधानसभा के चुनाव भी आएंगे और इस बीच में शायद अंबाला का उपचुनाव भी आ सकता है। तो मेरा कहने का अभिप्राय ये है कि निरंतर हमें कमर कस के फील्ड में पहुंच करके लोगों को पार्टी के नीति कार्यक्रम प्रोग्राम को जन जन तक लेकर के जाना है और वो काम कोई अकेला ना अजय सिंह चौटाला कर सकता, ना सरदार निशान सिंह कर सकते, ना कृष्ण जाखड़ कर सकता, वो हम सब मिलकर के कर सकते। एक एक साथी अगर इस बात का प्रण ले कि आगामी इस विधानसभा के चुनाव तक हम पार्टी के लिए पूरे समर्पण भाव से काम करेंगे तो निश्चित तौर पे उसके सार्थक परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। और आपने देखा है विपरीत परिस्थितियों में जननायक जनता पार्टी का जन्म हुआ और पार्टी जब पैदा हुई जींद की उस पांडु पटारा की पावन धरा पर आप लोगों ने पहुंच करके एक होनहार नौजवान की पीठ पर हाथ रखा, उसने भी थोड़े से समय में जब ना पार्टी का संगठन था, ना कोई झंडा था, ना डंडा था, ना कोई फंड था, ना संगठन था, जहां पार्टी का संगठन खड़ा किया वही आपने देखा कि लगातार चुनावों को भी झेला, कभी लोकसभा के चुनाव आ गए,
कभी जींद का उपचुनाव आ गया, कभी हरियाणा प्रदेश की असेंबली के चुनाव आ, निरंतर उन चुनावों को भी घेरा। आप लोगों का सहयोग था, प्यार था, आशीर्वाद था, हरियाणा प्रदेश के लोगों को एक उम्मीद थी कि ये होनहार नौजवान शायद चौधरी देवीलाल की नीतियों को पूरा करने का काम करेगा। इसी वजह से थोड़े से समय में, 9 महीने में हरियाणा प्रदेश के लोगों ने उसे 10 विधायक चुन करके भेजने का साथ काम किया, और 10 विधायक भी आपने देखा कि 50-50 हजार के माध्यम से चुने गए, 17% वोट भी दिए, ये कोई मामूली बात नहीं। बुजुर्ग और नौजवान दोस्तों, ये सब आप लोगों का प्रयास था, आपकी मेहनत थी, आपने कड़ी मेहनत की, इसी की परिणाम आप लोगों को उन चुनावों में देखने को मिला। जैसे ही चुनाव हुए और सरकार में आपकी भागीदारी आई तो हमारे चेहरे वर्करों के खिले, उन्हें उम्मीद हुई कि हमारा 15 साल का वनवास जो है वो अब खत्म हो गया, अब हमारे काम होंगे, विकास की गंगा बहेगी, नौजवान को रोजगार मिलेगा, हमारी दूसरी समस्याओं से हमें मुक्ति मिलेगी। परंतु मुझे इस मंच से कहते हुए अफसोस होता है कि हम आपकी भावनाओं पर जितना खरा उतरना था उतना खरा उतर नहीं, क्योंकि सरकार बढ़ते ही एकदम कोरोना जैसी विश्वव्यापी महामारी आ गई। लगातार कभी फर्स्ट फेज, कभी सेकंड फेज, कभी थर्ड फेज को हमने घेरा, चाह करके भी हम एक दूसरे के नजदीक नहीं पहुंचे, और उसके बाद एक और मामला किसान आंदोलन चल पड़ा, जू भी हमारे जूड़े लगा। आपने देखा कि किसान कानून बनाए केंद्र की सरकार ने, सांसदों ने, और इस्तीफा मांगा करते थे कि दुष्यंत चौटाला इस्तीफा दे दे, दुष्यंत चौटाला इस्तीफा देने वाले। अकाली बादल की स्थिति आपने देख ली क्या हुई, मेरे भाई ने भी दिया था, उसकी स्थिति आपने देख ली क्या हुई। इस्तीफों से नहीं, राज में भागीदारी से काम होता है, इसीलिए हम सब लोग संघर्ष करके राज में अपनी हिस्सेदारी जोड़ने का काम करते। बुजुर्ग और नौजवान दोस्तों, आज फिर एक मामला चल रहा है हमारी बेटियों का, और उसके लिए भी कल मैं पढ़ रहा था कि सरपंचेज की जो एसोसिएशन है उन्होंने फैसला लिया है कि भारतीय जनता पार्टी और जननायक जनता पार्टी के लोगों को गांव में भी कुछ नहीं देंगे, गांव के बाहर उनके खिलाफ बोर्ड लगा देंगे। ये जुमे भी हमारे हैं, केंद्र की सरकार में बैठे हुए सांसद के मामला है, उसके खिलाफ केंद्र की सरकार ने 2-2 जांच एजेंसी बना रखी है, मुकदमा कोर्ट थाने में दर्ज है, पास्को एक्ट लगा हुआ है, उसकी जिम्मेवारी भी कोई हमारी है क्या बताओ। परंतु एक तरीका बना लिया लोगों ने, विरोध उसी का होता है जिसके पास कोई 2 दाने दिखाई दे, इसलिए ये सब लोग निरंतर हमारा विरोध करने का काम करते हैं। इस बात से सजग सावधान ना केवल सजग को होना है बल्कि लोगों को भी करने का काम करता है, और ये बातें पहुंचानी है लोगों तक कि भाई हम तो चाहते हैं कि उन बेटियों को इंसाफ मिले, हम तो चाहते हैं कि किसान की समस्याओं का समाधान हो, और हमने तो 14 MSP के पे फसलें खरीदने का काम हरियाणा प्रदेश में किया है, किसी दूसरे प्रदेश में है क्या 14 फसलें जो MSP में खरीदी जाती है। आपने देखा लगातार सीधे किसान के खाते में उसका भुगतान होता, निरंतर विपरीत परिस्थितियों में जो वायदे चुनाव घोषणा पत्र के जरिए आपके बीच में किए गए थे उनको पूरा करने का काम
कानूनी तौर पे अमली जमा फैलाने का काम किया है। विधानसभा में बाकायदा एक पास करके उन्हें लागू करवाने का काम किया, चाहे वो हरियाणा प्रदेश के रोजगार को प्राइवेट सेक्टर में 75% रोजगार देने की बात थी, चाहे वो पंचायती राज संस्थानों में माताओं बहनों को 50% की भागीदारी देने का मामला था, चाहे 8.5% बैकवर्ड क्लासेस के लोगों को पंचायती राज संस्थाओं में भागीदारी देने की बात थी। मेरा कहने का अभिप्राय ये है कि जो जो बातें कही पूरी की गई। हमने वृद्धावस्था पेंशन को भी 5100 तक पहुंचाने की बात, आज हमारे राजनीतिक विरोधी कहते हैं कि उसको बढ़ाने का कहां काम हुआ है। भाई अगर 45 विधायक हमारे पास होते तो पहली कलम से उसको पूरा करने का काम था, परंतु फिर भी हमने तो जो भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा ये बात कहते हैं उनसे कहूंगा कि तूने तो 9 साल में 500 रुपये बढ़ाने का काम किया था, हमने तो आपके सामने 250-250 रुपये 2 बार तो बढ़ाए हैं और फिर मौका मिलेगा फिर बढ़ाने का काम करेंगे। आप लोगों के बीच में ये कलम जो चल रही है ये रुकेगी नहीं, जो किए गए वादे हैं उनको पूरा करने का काम आपके बीच में करेंगे। जननायक चौधरी देवीलाल जी के नक्शे कदम पर चलने वाली पार्टी, चौधरी देवीलाल ने जो बात जनता जनार्दन के बीच में कभी कही उसे बाकायदा कानूनी तौर पर अमली जामा फैलाने का काम किया, चाहे वो वृद्धावस्था पेंशन थी, चाहे किसान के कर्जे माफ करने की बात थी, चाहे साइकिल और रेडियो के टोकन टैक्स माफ करने की बात थी, चाहे गंभीर देने की बात थी, चाहे गांव गांव में हरिजन चौपाल बनवाने की बात थी, चाहे कन्यादान देने का मामला था, इस तरह के अनेक कानून उन्होंने आपके बीच में बनाए और लागू किए और आज उन्हीं के नक्शे कदम पर जननायक जनता पार्टी चल रही है। इसलिए आप लोगों से गुजारिश और विनती है कि ये जो शेष समय है इसमें सारे जुट करके, एक अकेला कोई कुछ नहीं कर सकता, मिलकर के करेंगे तो निश्चित तौर पर उसके सार्थक परिणाम आपके सामने आएंगे। और मैं उम्मीद विश्वास और भरोसा लेकर के जा रहा हूँ कि जिस तरीके से हौसले से आप लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं इसी तरीके से लोगों के पास जा कर के बुनियादी बातें, पार्टी के किए गए काम और जरूरी बातों से लोगों को अवगत कराने का काम करेंगे। यही कहते हुए आप सब लोगों का एक बात सुने यहाँ पे हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, अभिवादन करता हूँ, स्वागत करता हूँ और आपकी जिला इकाई का भी जिन्होंने आपको न्योता दे करके यहाँ पे एकत्रित करने का काम किया, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।